आपको ये वाई इक्वल टू गिवन दिया हुआ, ठीक है ना, इफ वाई इक्वल टू दिस। तो यार ये जो नोट है ना नीचे, ये इसको आप लोग याद कर लें, ये नोट है ना, इसको याद कर लें। क्या नोट है मन पढ़ेंगे? सर नो, वो जो उसका इंटरनल डेरिवेटिव अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल। राइट, इंटरनल डेरिवेटिव, ठीक है ना, इंटरनल डेरिवेटिव। इस सवाल में इंटरनल क्या है? 2x+1 स्क्वायर स्क्वायर। अच्छा एक सेकेंड, इंटरवल का डेरिवेटिव ना सर 2 हो जाएगा। नहीं इंटरनल, हाँ इंटरवल नहीं, इंटरनल डेरिवेटिव 2 हो गया, यू आर राइट। तो अगर मैं इसका निकालू बल्कि ना, हाँ हाँ सही है, डीवाई और डीएक्स क्या हो जाएगा? स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर रूट का ही तो है। इंटरनल डेरिवेटिव क्या हो गया भाई? 2 हो गया। क्यों भाई? ये इंटरनल है ना, यस ये इंटरनल है, इसका डेरिवेटिव 2 हो गया यस यस ना, वाई इक्वल टू 2x+1 है अगर, तो डीवाई और डीएक्स 2 हो गया अपॉन ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल। ओरिजिनल सवाल क्या था? व्हाट वाज ओरिजिनल क्वेश्चन? स्क्वायर रूट 2x+1। अंडर रूट 2x+1। तो ये देखिए आप, हो गया ये 2 सेकंड हो, आइए बस 2 के लिए कैंसिल। 1/√2x+1 इज द डेरिवेटिव ऑफ 2x+1। ये इतना पावर के चक्कर में पड़ोगे बहुत टाइम लग जाएगा। वो वाला सवाल देख लो, जी क्वेश्चन नंबर जो भी हमने ऊपर किया था, आंसर ये नोट कर लिया। ऊपर जो हमने किया था, क्या क्या था भाई? ऊपर क्या था हमने, वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स किया था ना ऊपर। जी ओके तो सवाल अगर बना दो इसका फटाफट। से सवाल क्या बनाएंगे यार, आप से सवाल लिखें। इफ वाई इज इक्वल टू, वाई इक्वल हो गया यार, y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, फाइंड dy ओवर dx। अब क्या इसका वो, मैंने हमने क्या चीज किससे वो शॉर्टकट बनाया है? मैंने नहीं बनाया, बुक का ही है, बुक वालों ने यही शॉर्टकट दिया हुआ है। ये है ना dy ओवर dx क्या भाई? इंटरनल डेरिवेटिव अपॉन ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल, ये इसका फॉर्मूला है, dy ओवर dx इक्वल टू इंटरनल डेरिवेटिव अपॉन ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल। इस सवाल में इंटरनल क्या हो गया अमर एंड रोहन? वन वन ही होगा नहीं, इंटरनल है क्या? इंटरनल, ये इंटरनल तो एक्स। एक्स है, ये इंटरनल है। तो अगर वाई इक्वल टू एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा यार? 1/1 ये कहा था ना आपने, तो सिंपल फॉर्मूला क्या था भाई? इंटरनल डेरिवेटिव dy over dx is equal to internal derivative which is 1 upon twice original x। ये original है, ये पूरा original है, ये याद रहेगा क्या? नहीं, ठीक है सर। अगर एग्जाम में ये भूल गए तो फिर वो पावर के चक्कर से कर लेना, पावर के जो रूल है ना उससे। ये देख लो, उसके अंदर भी हमने यही किया था, इसी तरह से इतना जो लंबा किया है ना हमने। अच्छा आई एम सॉरी, चलो ये तो 1/√x है, 1/√x को तो ऐसे ही करेंगे जैसे करते हैं, मैं पॉजिटिव पावर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये जो हमने क्या हुआ है, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स साइड में था, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स तो कितने 4-5 स्टेप्स के बाद ये आया है, बहुत लंबा होके आया है। ये डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ गया? 1/2 ऑफ अंडर रूट एक्स आ गया, बहुत लंबा हो गया ना ये। आगे बात समझ में आप लोगों को, स्क्वायर रूट का जी डिफरेंशिएशन निकालना आ गया। एक सवाल दूं तो क्या भाई, डी वाई और डी एक्स आपका भाई इंटरनल डेरिवेटिव अपॉन ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल। इंटरनल जो है ना हमारे पास ये है, जिसे इंटरनल क्या डेरिवेटिव निकाला था आप लोगों ने इसका? 2x-8। 2x-8 ये आ गया, अब ओवर ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल, ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल, ये पूरी जो फॉर्म है ना, ये ओरिजिनल है आपके पास, ये ओरिजिनल है, यानी ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अमर रोहन ने ना सिंपलीफाई कर लिया जो कि चाहिए, रोहन ने किया कॉम, क्या रिहान रोहन ने कॉमन निकाला 2x, तो ये 2 कॉमन निकाला, x-4 हो गया ऊपर, देख रहे हैं आप, एंड डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x,
कैंसिल हो गया जनाब, 1-1। उसका जो आंसर आ गया फाइनल, सिंप्लीफाई करके आंसर हो गया 1, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट की हैंडिंग आ गई आप लोगों को सबको। हाँ जी सर, तो ये सिंप्लीफाई करना जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल। आपने थोड़ा सा ये करना है, देखें आपके पास यार क्वेश्चन आ गया y इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एट। अब इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या फर्क है, ये डिनोमिनेटर में, और वो क्या है ये, यानी कि ये है पावर, नेगेटिव पावर है बेसिकली, देखा है हाफ, और वो क्या है वो न्यूमिनेटर में था। देखें आप कहाँ गया, ये रहा सवाल, ये न्यूमिनेटर में था वो 1 अपॉन करके, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है ना इंटरनल डेरिवेटिव अपॉन ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल, ये तो उन सवालों के लिए है, इस तरह के सवालों के लिए जिसके बाद पावर हाफ पॉजिटिव हो या न्यूमिनेटर में, ठीक है, नीचे वाला क्या डिनोमिनेटर में। तो इसको हम वही अपना एक जो नॉर्मल मेथड है उससे ही कर ले तो वो बेहतर है, सही है रोहन। यानी कि पहले आप इसको लिखेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x रेज टू पावर माइनस हाफ, और वही जी सिंपल पावर वाले जो था डेरिवेटिव वो डी वाई ओवर डी एक्स, पावर यहाँ पर साइड में कोफिशियंट हो जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और सब्ट्रैक्ट 1, एक पावर कम हो गई, और ये इंटरनल का डेरिवेटिव यहाँ पर मल्टीप्लाई होता था। अगर आप यार लेक्चर देखें तो आपको ये नजर आएगा कि इट विल बी यू नो डी वाई ओवर डी एक्स का इंटरनल का, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 8x का, इट विल बी यू नो 2x माइनस 4 8। क्लियर होगी बात। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इट विल बी यू नो 2x माइनस 8, तो यहाँ पर लिख लीजिए ब्रैकेट को, टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x रेज टू पावर माइनस 3 ओवर 2 डिवाइडेड बाय, अच्छा माइनस यहाँ पर लगा हुआ है 2। वहां कोई कंफ्यूजन नहीं सर। ना, ये पावर वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसको इस तरह से हैंडल किया है। फिर डेरिवेटिव में इसको प्रीवियस बताया भी था, P1 की हमने क्लास ले रहा था उसमें, 2 कॉमन ले ले तो ये एक्स माइनस 4 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x रेज टू पावर माइनस 3 ओवर 2 ओवर 2, कैंसिल आउट दिस वन का दिस, तो नाउ इट विल बी नेगेटिव एक्स माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x रेज टू पावर 3 अपॉन 2 पॉजिटिव आंसर हो गया। या स्क्वायर रूट में लिखना चाहो तो उसमें लिख दो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार आप याद रख लें कि अगर एक्स ए की पावर 3 अपॉन 2 होती है ना तो बेसिकली वो थी ए टाइम स्क्वायर रूट ऑफ ए, सही है भाई रोहन है नंबर, तो इसको चाहे तो स्क्वायर रूट में भी लिखना, तो चाहे तो फिर के माइनस माइनस और डिफरेंस को आप एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x, चाहे तो आप इसको ऐसे आंसर। ओके ये लिख लें या वो लिख लें, देखिए सर्ट्स की फॉर्म में लिख लें। रोहन कंफ्यूजन कोई नहीं सर। हमारे तो खैर कर लिया था, चलो